गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हिंदी सीरीज में हमारा जो है पद्य खंड चल रहा है सूरदास। सूरदास का हम पहला पद और दूसरा पद पढ़ चुके हैं, आज हम देखते हैं तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव योग संदेश लेकर आए हैं। क्या कहती है गोपियां, देखो, हे उद्धव, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी माने लकड़ी, ठीक है। हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी, कबूतर की जाति का एक पक्षी है जो क्या है, हारिल, तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए पकड़े हुए उड़ता है, उसे ये लगता है कि ये क्या है, मैं इसी सहारे से उड़ रहा हूँ, तो वो उसको कस कर पकड़े रखता है, अपने से दूर नहीं होने देता। तो यहाँ गोपियों का कहने का है अभिप्राय कि हमारे हरी उस हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, जिसको हमने, जिस लकड़ी को यानी श्री कृष्ण को हमने मन से, कर्म से और वचन से, मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद का नंदन कौन, श्री कृष्ण, पुर, पुर यानी हृदय में ये दृढ़ करी पकड़ी यानी मजबूती से पकड़ रखा है। हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। समानता बताइए, तो क्या हुआ फिर कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में, श्री कृष्ण यानी नंद नंदन, नंद के नंदन को हमने अपने हृदय में मन से, कर्म से और वचन से दृढ़ निश्चय करके पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, क्या बता रही है गोपियां कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में, यानी रात दिन सपने में जागते सोते, काना काना जकरी। जकरी शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार आता है। जकरी शब्द का अर्थ क्या है, रटना, क्या है, रटना। तो कह रहा है कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जागत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम जो हैं वो काना काना की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो, ये तुम्हारा जो योग संदेश है, हे उद्धव सुनो, ये तुम्हारा योग संदेश है, लागत है ऐसो, हमें ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककड़ी, ज्यों करुई ककड़ी यानी कड़वी, कड़वी ककड़ी को खा लेता है कोई, तो जो खारापन का एहसास होता है वही एहसास हमको तुम्हारे किससे हो रहा है, तुम्हारे योग संदेश से हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम तो रात दिन जागते सोते सिर्फ काना काना का नाम ही रटती रहती है। सूतो व्याधि, व्याधि यानी रोग, क्या होता है, रोग, कि सूतो यानी तुम तो ऐसा एक रोग हमको ले आए, हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आ गए हो, देखी सुनी न करी, जिस रोग को न हमने कभी देखा है, न सुना है, न अपनाया है। हे उद्धव, कि तुम्हारा ये जो योग है ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, और ये तो तुम ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो जिसे हमने आज तक न देखा, न सुना और ना ही किया है, न अपनाया है। ये तो सूर तिनही ले सौंपो, तिनही यानी उनको, हे सूर, गोपियां कहती है सूरदास की, हे उद्धव, ये जो आप ये रोग लाए हो योग संदेश का, ये तिनही यानी उनको जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, चक्री का ध्यान रखना, चंचल, क्या है, चंचल, जिनका मन, जिनका मन चंचल, चक्री के समान चंचल होता है, चंचल यानी इधर उधर भटकता रहता है, कभी किसी पे, कभी किसी पे। तो यहाँ कह रही है हमारा मन तो स्थिर है, और वो स्थिर है किस पर, श्री कृष्ण पर है स्थिर, तो ये व्याधि जो है आप किसी और को ले जाकर सौंप दो। अगला पैराग्राफ देखिए, हरी है हाँ राजनीति पड़ी आए, हरी राजनीति पड़ी आए। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव के द्वारा जो योग संदेश भेजा गया है, तो उसे देखकर, उसे सुनकर जो है अपनी व्यथा प्रकट करती है, कहता है कि हे सखी, एक सखी से दूसरी सखी कहती है, हे सखी, हरी, हरी कौन, कृष्ण, के हे सखी, हरी राजनीति पड़ी आए, के हे सखी, श्री कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है, वो राजनीतिज्ञ हो गए, राजनीति शास्त्र उन्होंने पढ़ लिया है, यानी उल्टा सीधा करना, राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। अब क्या हुआ देखो, समुझी बात कहत मधुकर, हे सखी, क्या इस मधुकर ने यानी इस भ्रमर ने, भ्रमर कौन, उद्धव,
भ्रमर कौन? उद्धव। कि हे सखी, जो इस भ्रमर ने, जो इस उद्धव ने बात की है, क्या वो तुम्हें समझ में आई है? क्या उद्धव जो बात हमें कहने आया है, क्या योग संदेश देने आया है, क्या तुमने वो, तुम्हें वो बात समझ आई है? और उसके द्वारा कही गई बातों से समाचार सब पाए, क्या तुमने श्री कृष्ण के बारे में कुछ समाचार पा लिए हैं? कहने का मतलब, वो सखी दूसरे सखी को कह रही है कि उद्धव द्वारा जो योग संदेश हैं, ये योग संदेश उनका किसी काम का नहीं है, ना उन्हें समझ आया है और ना ही उस योग संदेश से श्री कृष्ण के आने की कोई खबर मिलती है या कोई समाचार प्राप्त होता है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से ये कहती है यहाँ पर कि हे सखी, देखो उद्धव के योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने इसे भेजा है हमारे पास योग संदेश लेकर। तो ऐसा हो गया है कि श्री कृष्ण ने क्या कर लिए, राजनीति में पारंगत हो गए हैं, यानी झूठ बोलना, किसी को भेजना, तो यहाँ राजनीति में पारंगत हो गए हैं। अब बता कि इसके द्वारा भेजे गए संदेश से क्या तुझे कुछ समझ में आया, और या इस संदेश में श्री कृष्ण के बारे में कोई संदेश मिल पाया है? नहीं। एक अति चतुर होते पहले, गोपी कहती है एक अति चतुर होते पहले, पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर हैं, श्री कृष्ण तो जानते हो गोकुल में, ब्रज में नंद बाबा का, नंद जो है ये वो कान्हा बहुत ही चंचल था, बहुत ही चतुर था। तो कहते हैं कि एक तो कान्हा पहले से ही चतुर है, हमें अपने प्रेम जाल में सबको रासलीला करवाते थे, तो एक तो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए होंगे जिनसे ये राजनीतिज्ञ बन गए हैं, राजनीति शास्त्र में पारंगत हो गए हैं। तो कह रहा है एक तो पहले से ही चतुर थे, अब और इन्होंने बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, बड़ी बुद्धि, उनकी विशाल बुद्धि को हमने अब क्या कर लिया है, जान लिया है, इसीलिए तो उन्होंने योग संदेश पठाए, पठाए यानी भेजना, यानी उनकी विशाल बुद्धि हो गई है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, इसीलिए बुद्धि में वृद्धि हो गई, और बुद्धि में वृद्धि हो गई इसी के बारे में जानकर उन्होंने हमारे पास क्या भेजा है, योग संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के, आगे के यानी पहले के, कहते हैं गोपी कह रही है गोपी, पहले के ज़माने के लोग बहुत ही भले हुआ करते थे। अब भलाई का कारण क्या था, परहित, परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए। के गोपी पहले के लोग, आगे के लोग बहुत ही क्या होते थे, भले होते थे। क्यों भले हैं, क्योंकि परहित डोलत धाए, परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत यानी भागते रहते थे, दूसरों के काम के लिए क्या करते थे, भागते रहते थे, दूसरों की भलाई करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए श्री कृष्ण से, हमें तो सिर्फ अब अपने मन फेर पाए। मन फेर यानी हमारे मथुरा जाते समय जब श्री कृष्ण हमारे हृदयों को चुरा ले गए थे, हमें तो अपने वो मन हृदय वापस चाहिए। चलते जू होते चुराए, जो चलते यानी मथुरा जाते समय हमारे हृदय को चुरा कर ले गए थे, वो हृदय हमें क्या चाहिए, वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे, अनीति माने अन्याय, अनीति माने अन्याय। हे गोपी ते क्यों, ते यानी वह क्यों अन्याय कर रहे हैं स्वयं, आपुन यानी स्वयं, कि वह श्री कृष्ण स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो औरों को अन्याय से मुक्त करवाते हैं, औरों को न्याय दिलवाते हैं, फिर वो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्या प्रेम के बदले योग संदेश भेजना, फिर वो ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। रोज राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए, यानी क्या कह रहा है कि राज धर्म क्या है, राज धर्म यानी राजा का धर्म, राजा का धर्म तो ये होता है, क्या होता है राजा का धर्म, राजा का धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाही सताए, यानी जो राजा होता है उसका तो एक ही फर्ज होता है कि अपनी प्रजा को कभी नहीं सताए। श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं, हमारे राजा हैं,
और हम उनकी क्या है, प्रजा है। तो श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और हमें सता रहे हैं, तो राजा का धर्म ये नहीं है। राजा का धर्म तो ये होता है, प्रश्न पुटप होता है यहाँ से, राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म तो सूरदास की गोपियाँ कहती है कि हे सखी, राजा का धर्म तो होता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए। यहाँ अपना जो है चारों पद सूरदास के समाप्त होते हैं। धन्यवाद।